फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम कद्दू की करी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल को हम अच्छे तरह से गर्म होने से, ये भी बढ़िया टेस्टी लगती है, तो हमें इस तरह से बनाने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। अभी जैसे भी तेल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून जितना सरसों। सरसों का हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं। जैसे सरसों हमारे क्रैकल होते हैं, हम डालते हैं करी में 3 सूखे लाल मिर्च, 6-7 लहसुन, 5 प्याज, 5 मूंगफली, 5। अभी हम प्याज को अच्छे तरह से सॉफ्ट होने देते हैं। इसके साथ डालते हैं 1 टमाटर, इसे भी हम चला लेते हैं। और इसमें हम डालते हैं नमक, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और वापस इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। हींग डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून जितना, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना, आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हो। हल्दी, धना पाउडर, नमक हमने ऑलरेडी डाला है, तो अभी हम नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अभी इसे हम चला लेते हैं। अभी हमने जो सूखे मसाले डाले हैं, इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है, तो हम डाल देते हैं कद्दू। अभी इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है, तो इसे करते हैं कवर 1/2 मिनट के लिए। अभी देखिए, वापस चेक कर लेते हैं, वापस इसे हम चला लेते हैं। और अभी इसमें डालते हैं पानी। वैसे भी ये सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। आपको जैसे भी गाढ़ी या पतली कढ़ी चाहिए होगी, उसी तरह से आपको बनानी है। ये देखिए, और वापस करते हैं इसे कवर। अभी देखिए, इसे उबाल आ गया है, इसे हम पहले चला देते हैं, और उसके बाद इस पर डालते हैं धनिया, और वापस करते हैं कवर। वापस इसका कवर हटा देते हैं। वाह, ये देखिए हमारी कद्दू की कढ़ी मस्त रेडी हो गई है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। देखिए इस तरह, ये देखिए। अभी गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ, और इसे हम सर्व करते हैं। अभी करते हैं बाउल में सर्व। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी एंजॉय करना चाहते हो, आप इसे कर सकते हैं। बड़ी प्यारी लगती है। अभी इसे कर डालते हैं धनिया। इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और आप किस तरह से बना रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरह से भी बना के देखिए, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। आपको यह रेसिपी कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।